कोई जहर दे रहा हूँ? अब यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं, रहने दो, डॉक्टर पढ़ा है, तेजाब लगा लो मैडम आप लोग, ये आयुर्वेदिक दवा है, इसको प्रयोग कीजिए, इस टाइम में इनका बहुत जरूरत है। लेकिन लोग बाग बिलीव भरोसा नहीं कर रहे क्योंकि टाइम नहीं है उनके पास, 7 पीढ़ी गुजर गया इसमें। ये संजीवनी बूटी है लीवर की गर्मी के लिए, पथरी के लिए, रामेश्वर इमली का बीज, हर तरह की बीमारी को जड़ से हटा दूंगा, एक बार आकर तो देखो। दवा कभी गलत नहीं होता, देने वाला गलत होता है, काले से गोरे होने वाली दवा नहीं है। मैं ही नहीं गोरा बना तो उनको कहाँ से बनाओ। भैया है क्या आदिवासी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी भंडार? ये जड़ी बूटी होता है जैसे मोटापा होता है, शुगर होता है, बीपी होता है, थायराइड होता है। गोली टेबलेट तो बार बार खाए जाऊंगे, इसको एक ही बार इलाज कर जाता है। ये संजीवनी बूटी है लीवर की गर्मी के लिए, पथरी के लिए। वो सतयुग का है, ये कलयुग का है मैडम। इसमें फायदा जैसे लीवर में गर्मी है, पथरी है, इसको खत्म कर देता है। ये कोच के बीज है काले वाले में, ये गोरखमुंडी होता है, ये सेनाई पत्ती होता है, ये पहाड़ी इमली है सर, रामेश्वर इमली का बीज। दर्दों के लिए इसका तेल बनता है, मगुर जड़ी, पनीर फूल, छोटी हर, कड़ू चिरायता, जामुन गुटली। इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा? कैसे ठीक नहीं होगा मैडम, इस्तेमाल करोगे तो फायदे वाली जड़ी बूटी है ना, ये देशी वनस्पतियाँ। क्या बोला है? डॉक्टर के पास जाओ, दवा खाओ, वो केमिकल वाला है वो तुरंत काम करेगा, आयुर्वेदिक आपके आराम से फायदा करती, लेकिन जड़ को खत्म कर देती है। जैसे गठियावाद हो गया, गैस्ट्रिक हो गया, शुगर, बीपी, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, नजला रेसा, इन मतलब के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं, ये आराम से फायदा करती है। खरीद रहे लोग भाग, तभी तो चल रहा है, यकीन नहीं करते तो फिर कहाँ से चलता है, ये बतलाइए आप। इस्तेमाल करोगे काम करेगा, इसका लाभ उठाओ, आपको फायदा मिलेगा। जो फालतू जो दाने, पिंपल्स, खील निकल जाते वो ठीक हो जाएंगे। काले से गोरे होने वाली दवा नहीं है, भगवान ने दो ही रूप बनाए, एक काला और एक गोरा। मैं ही नहीं गोरा बना तो उनको कहाँ से बनाओ। रक्त चंदन गुलाब जल के अंदर मिला के लगा दो, 20-25 दिन चेहरे का खील मुहासे, काले छाइयां ठीक हो जाएगा, 100% श्योर है। अच्छा मुझे ना जैसे बीपी है, हाँ, तो मैं खाती हूँ, 2 साल से खा रही हूँ, आज तक ठीक नहीं हुआ। मैं भोपाल से, मैं आदिवासी हूँ, बसरते थोड़ा बिलीव करूंगी, मैं वो चीज दूंगा, गोली से मुक्त कर दूंगा, अगर दवा आपको कंटिन्यू 40 या 30 दिन लेना पड़ेगा मैडम। भाई के कहने पे खा लो आप, जिंदगी के अंदर जो गोली ले रहे हो ना, डॉक्टर को भूल जाओगे आप, शरीर में ताकत, एनर्जी, शक्ति आ जाएगा, नसों का प्रॉब्लम ठीक हो जाए। थोड़ा दही और थोड़ा मोटा छोला, ये दो चीज बंद कीजिए, 40 दिन इसको खाइए नहीं आप, ये गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे पेड़ रहता है, पेड़ के पत्ते काट देंगे, पेड़ दोबारा आता है, पेड़ को जड़ से उखाड़ के फेंक दो, पेड़ कभी नहीं आता, इस प्रकार से ये थायराइड खत्म आपका हमेशा के लिए। मैं डॉक्टर नहीं हूँ जो मैं आला लगा कर आपका चेकअप कर लूँ, हम नाड़ी देख कर पहचान जाते मैडम। देखो आजकल के जमाने में टाइम नहीं है आदमी को, थोड़ा सर में दर्द हो गया, गोली खा लिया, पानी पी लिया, चलने फिरने लग गया। ये आयुर्वेदिक दवा है, इसको प्रयोग कीजिए, इस टाइम में इनका बहुत जरूरत है आयुर्वेदिक का। लेकिन लोग बाग बिलीव भरोसा नहीं कर रहे क्योंकि टाइम नहीं है उनके पास। आपके बच्चे कॉलेज स्कूल जाते हैं, हमारे बच्चे छोटे छोटे इसको पीसते हैं, क्योंकि दवा वाले हजारों आते फुटपाथ में बेच रहे, यहाँ वहाँ बेच रहे। जड़ी बूटी अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसको देने वाला सही होना चाहिए। बाल आ सकते हैं? बालों का जड़ हो जाएगा तो बाल आएंगे, आप चिकना रहेगा तो उसमें कहाँ से बाल आएंगे, सफेद बाल काले हो, काले हो जाएंगे। उसका टाइम चाहिए, आप बोलोगे 60 के बाद काला कर दो, कैसे हो जाएगा? अब यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं, रहने दो, डॉक्टर पढ़ाए, तेजाब काली मेडी डाई लगा लो मैडम आप लोग, 10 तोला मात्र, 30 दिन लेना पड़ेगा आपको। 1 गिलास गर्म पानी में आधी चम्मच दवा डाल दीजिए, जैसे कॉफी शरबत पीते इस तौर से लीजिए आप लोग। हमारा खानदानी 7 पीढ़ी गुजर गए इसमें, हमारे बाप दादा इसी में खत्म हो गए, ये हमारा खानदानी है, हमारे माता पिता परंपरा से यही चलते आ रहा।